मुझे ये लग रहा है कि ये अभी अभी शुरू हुआ था, इट्स बीन अभी 8 महीने हुए हैं टू इवन ओपन एन आइडिया ऑफ कि एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे, क्योंकि सब फ़ोन पे लगे रहते हैं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि ये क्या है ये, एंड हाउ मच कैन यू, बीच में ऐड आ रहे हैं, देन यू गेटिंग यूज टू दैट, नहीं आई डोंट वॉन्ट टू गेट यूज टू दैट, मेरे को कहानी सुननी है और मुझे एक जगह बनानी है जहाँ पे सच्ची कहानियाँ बता सकते हैं, आप दिल की बात कर सकते हो, आपको रोना है आप रो सकते हो, इट्स एन आउटलेट. तो मेरे पापा ने सोचा कि इसका एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मुक्ति मंच. और जैसे स्टेज पे आप पे लाइट होती है और हर जगह अंधेरा होता है ना, तो उनको लगता है कि वो लाइट आपके अंदर है, एंड ईच वन ऑफ अस हैव दैट दिव्य शक्ति टू स्पीक द ट्रूथ. सो इफ ओनली यू हैव टू जस्ट लेट दैट लाइट यू नो बी एंड अलाउ अदर्स टू कम इन. सो थ्रू दिस एंड दैट्स व्हाई लाइक दिस माय पापा की हैंड राइटिंग, आई फील वेरी प्राउड दैट एक करके एक पता नहीं कैसे हो गया कि आज 5th बैच है और 5 बैचेस ऐसे निकल चुके हैं. यू नो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. आई एम इंस्पायर्ड टू वर्क ऑन माई सेल्फ बिकॉज एज आई सेड कि मैंने कभी चीज़ें सीखी नहीं. मैं डांस करती थी, मैं प्रोफेशनली डांस करती थी, मैं स्टेज पे जाना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे ऑडियंस मिलती है तो मेरा अंदर से ऐसा कुछ होता है कि मैं डांस करूँ और अच्छा हो और ऐसे, पर मैंने कभी एक्ट नहीं किया स्टेज पे, मैंने कभी नाटक नहीं किया, मैंने कभी एक मोनोलॉग नहीं किया, पर मैंने आज ऑडियंस में बैठ के ये सब सीखा कि क्या एक्टिंग में वर्क करता है, अगर मैं आगे जाके कभी स्टेज करूँगी तो मुझे क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है. और ऑल्सो विद मुक्ति एंड ऑल 4 ऑफ यू गाइज, या मतलब अंकल ने जो जो चीज़ें बोली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, इट वॉज़ अ रियली गुड सेशन फॉर मी. मतलब मैं यहाँ आई तो किसी और काम से थी, पर एज अ स्टूडेंट जा रही हूँ और कुछ सीख के जा रही हूँ. करंट सिचुएशन उन सबका प्लेस का एक ही वो था, एक टैली करो तो एक ही सब्जेक्ट माइंड में आता है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट. और मुझे पता नहीं अगर आपने अंकल का वो एक स्पीच आपने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, कि वी आर नॉट विक्टिम्स, वी आर एम्पावर, ये हमारे अंदर है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट अदर वीमेन नो दैट कि ये तुम्हारे अंदर है, बस कहीं झांकने की ज़रूरत है और ये अपने अंदर से बाहर लाने की ज़रूरत है. और हमें भी नहीं, लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि हम इक्वल हैं, वी आर टुगेदर इन. मतलब कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई ज़्यादा कमज़ोर ऐसा नहीं है, ये गेम नहीं है, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट. और ये बहुत ही अच्छा है कि जब ये यंग जनरेशन कुछ अपने आप से कुछ लिख के इस चीज़ को ऑडियंस के सामने प्ले करती है, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले. क्योंकि ऐसी चीज़ें प्लेज में क्या होता है, गानों से क्या होता है, एक कॉन्वर्जेशन निकलती है, लोग इसके बारे में बात करते हैं, और जितना अच्छा है बात करने का, मतलब उससे मुझे लगता है कि वो जितना आप बात करो उतने ही आपको इसके बारे में नॉलेज पता चलता है.